हेलो, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो, नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी, प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफ़ी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। नमस्कार, मैं निशी भाटी और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। ये वीडियो कुछ ऐसी है जिसने एक पल में सभी की आंखें नम कर दी। लगातार ऐसी घटनाएं रोज सुनने में आ रही हैं, लेकिन इस वीडियो ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। हम आपको आयशा का वो आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे जो उसने अपने माता पिता के साथ की थी, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं इतने बड़े कदम के पीछे क्या वजह रही होगी। दरअसल आयशा का साल 2018 में राजस्थान के जालौर में रहने वाले आरिफ के साथ निकाह हुआ था। निकाह के बाद वही हुआ जिस बात का डर था, ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अगर मामले की गंभीरता को देखा जाए तो पेशे से दर्जी का काम करने वाले आयशा के पिता लिकायत अली ने किसी तरह से इंतजाम करके 1.5 लाख रुपए भी दे दिए, लेकिन पैसे मिलने के बाद आरिफ और उसके घर वालों का लालच इतना बढ़ गया कि आयशा को ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन अब आयशा के घर वाले पैसे का इंतजाम करने में असमर्थ थे, मुंह मांगी रकम नहीं मिली तो आरिफ ने आयशा से बात करनी तक छोड़ दी। शादीशुदा बेटी को ससुराल से निकल जाने के बाद पैसों की कमी में कोई उपाय ना सोचता देख लिकायत ने प्रशासन से मदद मांगी। उन्होंने आयशा के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। आयशा के पिता के मुताबिक इसके बाद आरिफ ने आयशा से कहा कि जाके कहीं मर जा और उसकी वीडियो भेज देना। और असलियत में भी यही हुआ जिस घटना के बाद सारा देश हिल गया है। निकाह के बाद पति के पैसों का लालच और पिता की गरीबी के बाद आयशा नहीं चाहती थी कि वह दोनों परिवारों को कोर्ट कचहरी में लड़ता देखे। इन हालत से निराश होकर आयशा ने साबरमती नदी में छलांग लगा ली। अब आप सुनिए आयशा की वो आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग जो कि उसने अपने माता पिता के साथ की थी। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। निकल जा। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोंटू को भेजता हूँ। हेलो, सुनो। हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना, बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं को मॉम, बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पाने में कूदना है। मैंने नहीं बाबा की कसम, ऐसा काम मत कुछ भी। नहीं मैं बस थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। जालौर बोलना, चल मेरी बात।
सुनो किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी दीजिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलता तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस ना लगे। ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं मरना चाहती हूँ। बहुत हुआ, अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से टेट हो गई हूँ मैं। कब तक ऐसे हुए? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाता पापा कल जालौर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया। पापा लेट हो गया, लेट हो गया। पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया। उसको बेटा तू शांति रख। जी मैंने अब नहीं जीना। सोनो अब नहीं जीना बेटा। सोनो मेरी बात अब बता दी। सोनो मेरी बात सुनेगी पहले? इसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे। मैं जा रहा हूँ कल जा लो। मेरे को खाली मेरी मैया को बुलाना है तो ले, मेरी बात सुन ले बेटा। इतना तूने सुना ना मेरा? नहीं यार, तुमको तकलीफ दू, कब तक तकलीफ दू सबको? अम्मा ऐसा रजी अल्लाह का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम मुबारक मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ। ऐसा रजी अल्लाह का मुबारक नाम है तेरे को अम्मा, ऐसा रजी अल्लाह की कसम है तेरे को। तू घर आएगी, बच गई तो ले जाना, घर आ गई तो डबन कर देना। तू मैं जालौर जा रहा हूँ। नहीं पप्पा, मैं कल जालौर जा रहा हूँ। कल कुछ भी कीमत सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पार्टी कसम है देख। अब बस पप्पा, अब बस तेरे को बोला ना, तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर ली जो मिल गए। नहीं पप्पा, अब मौत करीब, अब नहीं जीना बाबा। वो दुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा? वो लोग मिल जाएंगे, कोई झेल नहीं जाएगा बेटे। वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ, मैं मोन्टू को भेजता हूँ। मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू, कौन सी जगह पर है? बता दी, यूं रेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा? पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी जिंदगी का। सोल्यूशन है बेटा, सब सोल्यूशन है, सब सोल्यूशन है बेटा। मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया था तो मैं भी सोचता। हाँ तो मैं जा रहा हूँ, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा फिर भी मेरी जिंदगी में। नहीं आएगा, नहीं आएगा, बाप भी आएगा। एक बार मेरे पे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। तू कुरान शरीफ की कसम है, तू को घर आ जा बेटा। अब नहीं आ रहा हूँ बेटा, समझती क्यों नहीं है? तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मारूंगा, सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा, चल। नीचे कहा कौन सी जगह? मैं मोन्टू को भेजता हूँ, गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को। बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह? अपन एलिस ब्रिज के पास। हाँ है। हेलो। हाँ पप्पा। हाँ तो तू वहाँ से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ। मैं आ रही हूँ। हाँ आ जा, बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को। आ रही हूँ। हाँ आ जा, और मैं जा रहा हूँ कल जालौर जाता हूँ मैं। आ जा तू घर आ। है ना काफी दिल दहला देने वाली बातें कि अपने माँ बाप के घर छोड़कर कोई इतने भरोसे के साथ दूसरे घर में जाती हैं बेटियां और वहां उन्हें ऐसा सब देखने को मिलता है। यह हर घर की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक दुनिया में यह दहेज प्रथा लोगों के जीवन में के साथ खेल रही है। आखिर में बस यही कहूंगी कि आप अपनी बेटी को ना समझाइए कि गलत क्या है और क्या सही, कैसे रहना है और कैसे नहीं, बल्कि अपने बेटों को शिक्षा दीजिए कि वो किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे और सभी लड़कियों को अपनी बहन जैसा सम्मान और इज्जत दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।